Sebastián. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान. दोस्तों, मुझे लगता है आपने सारा नोट कर लिया होगा, एक बार ध्यान दिया होगा. स्पीकिंग करते करते हम लोग मोस्टली ये कहते हैं कि मैं कह नहीं पाता हूं, वह पूछ नहीं पाती है, मैं समझा नहीं पाता हूं, वह बाइक चला नहीं पाता है, मैं तुम्हारे घर आ नहीं पाता हूं. इस प्रकार के हम लोग सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं. तो हम लोग मोस्टली पाता है पाती है ये कहते हैं, किसी एक्शन के लिए कहते हैं और किसी नाउन के लिए कहते हैं. तो दोस्तों, ऐसे वाले वाक्य को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे. तो आज मैं आपको ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है स्पीकिंग करने के लिए. तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आज के वीडियो का आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे और इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि आज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बन रहा है, क्योंकि काफी लेंथी टॉपिक है दोस्तों, ध्यान देंगे. लेकिन स्पीकिंग में काफी यूज किया जाता है और आप लोग अधिकतर मिस्टेक्स करते हैं, आप लोग समझ नहीं पाते हैं, कभी एबल लगा देते हैं, कभी गेट लगा देते हैं. तो आपको समझना है कि एबल कहां आ रहा है, गेट कहां आ रहा है और क्यों आ रहा है. तो दोस्तों देखते हैं, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए. बोर्ड पर लिखा हुआ है, अगर किसी एक्शन को, क्रिया को अगर हम लोग पाता है पाती है बोलेंगे, तब हमें इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट इज एम आर एबल टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसकी हेल्पिंग होगी इज एम आर. तो हमने किसी क्रिया को कहेंगे पाता है पाती है. जैसे हमें कहना है वह अंग्रेजी बोल पाता है, तो पाता है कि पहले क्या आ रहा है, बोल, यानी कि एक्शन आ रहा है. तो हम लोग बोलेंगे ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश. इसी का अगर हमको नेगेटिव बनाना है या इंटरोगेटिव बनाना है, तब हम लोग इज एम आर का यूज करेंगे. आगे बढ़ते हैं, किसी नाउन को पाता है पाती है कहेंगे, तब आपको गेट का इस्तेमाल करना है, एबल नहीं लगाना है, ध्यान देंगे. ऐसे सेंटेंस का नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप लोग डूडस का इस्तेमाल करेंगे. जैसे मैं हर साल अच्छे अंक पाता हूं, पाता हूं कि पहले क्या आ रहा, अच्छे अंक, एक्शन नहीं आ रहा. तो हम लोग लिखेंगे आई गेट गुड मार्क्स एवरी ईयर. इसी का नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो डू डस के बाद डू डस का इस्तेमाल करना है. आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं पास्ट टेंस में. हमें कहना है किसी एक्शन को पाता था पाती थी या पाया कहेंगे, तब आप लोग जो इजे मार था प्रेजेंट में वही वाज वर्ब बन जाएगा, और एबल टू तो आना चाहिए, और एबल टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, यहां पर फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है आपको, क्योंकि था का अर्थ ये वाज वर्ब की वजह से निकलेगा. जैसे हमें कहना है वह कह नहीं पाती थी, तो हम लोग बोलेंगे शी वॉज नॉट एबल टू से, या शी वॉज अनेबल टू से. इसको दोनों प्रकार से बना सकते हैं हम लोग. अगर आपने अनेबल का इस्तेमाल किया तो आपको नॉट नहीं लगाना है. आगे बढ़ते हैं, किसी नाउन को पाता था पाती थी बोलेंगे, तब हमें यहां जो प्रेजेंट में गेट आ रहा था वह गॉट हो जाएगा, गॉट फिर नाउन आएगा. और नेगेटिव इंटरगेटिव बनाने के लिए आपको डिड का इस्तेमाल करना है. समझते हैं इसका सेंटेंस. जैसे हमें कहना है कि मैंने पिछले साल एक नौकरी पाई, तो पाई के पहले क्या आ रहा है, नौकरी, एक्शन नहीं है, नाउन है. तो आप कहेंगे आई गॉट अ जॉब लास्ट ईयर. इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट गेट कर देंगे. डिड के साथ आपको गेट करना है, गॉट नहीं करना, ये ध्यान देना है, क्योंकि गेट के रहते हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. और इंटरगेटिव बनाना है तो डिड आपको आगे लगाना है. फ्यूचर टेंस में आ जाते हैं. फ्यूचर टेंस में अगर हम लोग किसी एक्शन को पाएगा पाएगी बोलेंगे, तब आपको सब्जेक्ट विल बी शेल बी एबल टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है. यहां पर बी एक्स्ट्रा आएगा दोस्तों, यहां पर ध्यान देना आपको. मैं एक सेंटेंस बोल के बताता हूं. जिस समय कहना है वह अंग्रेजी बोल पाएगी, तो पाएगी के पहले बोल आ रहा है, यानी कि क्रिया आ रही है, तो हम लोग बोलेंगे शी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. इसका नेगेटिव बनाना है तो विल नॉट हो जाएगा, और क्या वाला बनाने के लिए हमको विल आगे लगाना पड़ेगा. जैसे मैं आ नहीं पाऊंगी, नेगेटिव, तो आई विल बी अनेबल टू कम. मैंने इस बार अनेबल से बनाया, अब नॉट से बनाता हूं. आई विल नॉट बी एबल टू कम, नॉट बी ऐसा होगा, एबल टू कम. और इंटरगेटिव बनाने के लिए विल को हमको आगे लगाना. अब अगर हम लोग इस एक्शन के अलावा अगर नाउन को हम लोग पाएगा पाएगी बोलेंगे, तब हमें सब्जेक्ट विल शेल गेट, नाउन आएगा, यहां पर बी नहीं आएगा, ध्यान देंगे. एबल वाले में बी आ रहा है, यहां पर बी नहीं आ रहा है. जैसे तुम अगले साल एक अच्छी नौकरी पाओगे, यू विल गेट अ गुड जॉब नेक्स्ट ईयर. यू विल गेट अ गुड जॉब नेक्स्ट ईयर बोला है मैंने, यहां पर मैंने बी नहीं लगाया है, तो यहां ये आपको ध्यान देना है. और नेगेटिव इंटरगेटिव में तो विल शेल कॉमन नहीं रहेगा, इसका हेल्पिंग वर्ब चाहे ऊपर वाला रहे चाहे नीचे वाला रहे, विल और शैल ही लगाना है. तो दोस्तों, मैंने कुछ छह सेंटेंस लिख के रखे हैं. मैंने
सभी के लिए दो दो सेंटेंस लिखे हैं, तो उसको ध्यान देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा कैसे बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो पहला लिखा है कि आप अंग्रेजी बोल पाते हैं, तो पाते हो के पहले आ रहा है बोल, यानी कि क्रिया आ रही है तो एबल से बनेगा। तो सबसे पहले पाता है पाती है आने का मतलब ये नहीं कि एबल लगा दें, आप ये सोचिए कि पाता है पाती है पाया पाई, ऐसा हम लोग किसी एक्शन को कहेंगे तो ही एबल लगाना है, नहीं तो आपको गेट लगाना है, ये बात ध्यान देंगे। तो यहां पर बोल यानी क्रिया को हम लोग कह रहे हैं, एक्शन को कह रहे हैं, ये बनेगा यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी नहीं बोल पाते हो तो यू आर नॉट, यहां नॉट आ जाएगा, यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी बोल पाते हो तो आर लगाना है आगे, आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, न कि डू डज लगाना है, ध्यान देंगे यहां आप गलती हो सकती है आपसे। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर होगा। सेकंड, वह हर साल इनाम पाता है, पाता है कि पहले इनाम आ रहा है, क्रिया नहीं आ रही है। क्रिया दोस्तों खाना पीना जाना रोना ये सब क्रिया होता है, उसके लिए बोलेंगे पाता तो हमें एबल लगाना है। इनाम पाता है तो ही गेट्स अ प्राइज एवरी ईयर। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, वो हर साल इनाम नहीं पाता है तो ही डज नॉट गेट अ प्राइज एवरी ईयर। यहां हमने डज नॉट लगा दिया क्योंकि ही का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डूडस होता है, तो गेट के साथ आपको डूडस लगाना है, यहां आप इज एम आर नहीं लगाएंगे। क्या वह हर साल अच्छे, क्या वह हर साल इनाम पाता है, तो हमने क्या बोला तो डज आगे आ जाएगा, तो डज ही गेट अ प्राइज एवरी ईयर ऐसा होगा। नेक्स्ट पास्ट टेंस में आ जाते हैं, वह कहे नहीं पाता था, पाता था कि पहले क्या आ रहा है कहे, कहे के लिए हम लोग पाता था बोल रहे हैं, तो वाज वार आना चाहिए, तो ही वॉज अनेबल टू से नेगेटिव था और ही वॉज नॉट एबल टू से। अगर हम लोग इसका इंटरगेटिव बनाए क्या वह कह पाता था, तो वॉज को आगे लगा देंगे, वॉज ही एबल टू से ऐसा हो जाएगा। तुमने प्रथम श्रेणी पाई, तो पाई हम लोग किसी प्रथम श्रेणी को कह रहे हैं, एक्शन को नहीं कह रहे हैं, तो इसका बनेगा यू गॉट फर्स्ट डिविजन। इसका नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए आपको इनके दोनों के बीच में डिड नॉट लगाना पड़ेगा, और जब डिड नॉट लगाएंगे तो ये जो गॉट है वो गेट बन जाएगा, तो यू डिड नॉट गेट फर्स्ट डिविजन। क्या तुमने प्रथम श्रेणी पाई, डिड आगे आ जाएगा, इसका बनेगा डिड यू गेट फर्स्ट डिविजन। बस डिड के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सेकंड फॉर्म नहीं लगाना, ये आपको ध्यान देना है। और यहां वाज वर नहीं आ सकता, यहां डिड आएगा क्योंकि गेट की बात चल रही है। फ्यूचर में आ जाते हैं, वह अंग्रेजी सीख पाएगा, पाएगा हम लोग सीख को कह रहे हैं, किसी क्रिया को कह रहे हैं, तो ही विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा तो विल के बाद नॉट लगाएंगे, ही विल नॉट बी एबल टू लर्न इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी सीख पाएगा, विल ही बी एबल टू लर्न इंग्लिश, ऐसे बनाना। अब हम लोग आ जाते हैं इसके गेट वाले फॉर्म में, जहां पर नाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमें कहना है मैं अच्छी नौकरी पाऊंगा, पाऊंगा पाऊंगी एक ही बात है, आई जो है वो लड़का लड़की दोनों होता है, तो आई शेल गेट अ गुड जॉब। मैं अच्छी नौकरी नहीं पाऊंगा, आई शेल नॉट गेट अ गुड जॉब। क्या मैं अच्छी नौकरी पाऊंगा, शेल आगे आ जाएगा, शेल आई गेट अ गुड जॉब। तो दोस्तों इसके स्ट्रक्चर को आप लोग समझिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है कि एबल में हम लोग प्रेजेंट में इज़ेमार यूज कर रहे हैं, पास्ट में वाज़वर यूज कर रहे हैं, और फ्यूचर में विल बी शेल बी का यूज कर रहे हैं। और अगर मैं गेट की बात करूं तो प्रेजेंट में केवल गेट आ रहा है, पास्ट और उसकी हेल्पिंग ऑफ डूडस होगी, पास्ट में गॉट आ रहा है उसकी हेल्पिंग ऑफ डिड होगी, और फ्यूचर में विल गेट शेल गेट आ रहा है उसकी हेल्पिंग ऑफ विल और शेल ही होना चाहिए। तो बस आपको स्पीकिंग करते समय यह ध्यान देना है कि आप पाता है पाती है किसी एक्शन को कह रहे हैं कि नाउन को कह रहे हैं। दैट्स ऑल, यही है आज का टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इसके स्ट्रक्चर को समझने के बाद आप इसको बोलने की कोशिश करेंगे। मैं तो कहूंगा इसे आप नोट कर लीजिए और एक एक बात को ध्यान दीजिए कि एबल कब आ रहा है, गेट कब आ रहा है, डूडस कब आ रहा है, एजेमर कब आ रहा है, उसके बाद प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट टाइम बोलने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोग के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और बात, एक बात और दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि दो सेंटेंस एबल के या गेट के, या आप जैसा चाहें कम से कम दो, अधिक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मैं समझ सकूं कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया। धन्यवाद, बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार के प्रयोगों के साथ, कोशिशों के साथ।